आगे पिछली वीडियो के अंदर देखा था आइसोबारिक प्रोसेस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और लास्ट वीडियो होगा। इसके अंदर अपन लोग देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है वो देखेंगे। और आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। ठीक, तो बात करते हैं इस पर, अच्छे से बात करते हैं इस पर, पूरा छोड़ो पढ़ाएंगे नहीं, इस पर बात ही करते हैं। सबसे पहले तो ये सुनो, नाम से क्लियर है, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होगा जो मतलब जिसके अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, ये तो सिंपल है ना। दूसरा अगर बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन भी, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम जो आपने लिया भी, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो वो फिर कौन सा प्रोसेस है, वो आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल, ठीक है, डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्ज़ाम्पल जो आपका होगा वो कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, क्योंकि देखो दुनिया के अंदर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है ही नहीं। असल में देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नॉर्मल सोचो यार, देखो अगर आप आज अर्थ पे हो, रह रहे हो अपने प्लेनेट पे, तो आप किन किन चीज़ों से कनेक्टेड हो? आप खुद से कनेक्टेड हो, आप साइंटिफिक इंटरप्रटेशन से कनेक्टेड हो, मतलब साइंस से कनेक्टेड हो, आप अपने एनवायरनमेंट भी आप सराउंडिंग से कनेक्टेड हो। अब सराउंडिंग का मतलब ये नहीं कि आप कहीं हो ये सोचो कि घर के बाग बगीचे उनसे, सराउंडिंग का मतलब पूरा वर्ल्ड ही, ठीक है, पूरा यूनिवर्स ही, मतलब खुद को छोड़ के बाकी सारा आपको बताया था मैंने सराउंडिंग होता है। तो उस सराउंडिंग से आप कनेक्टेड हो, आप खुद से कनेक्टेड हो, आप साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन से कनेक्टेड हो, और आप तीसरा मेरा कहने का मतलब हुआ आप सराउंडिंग से कनेक्टेड हो। देखो कहीं भी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस है वो देखने को ही नहीं मिलेगा। आप अगर खुद की बात करो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कोई प्रोसेस की बात करता हूँ फीवर, ठीक है, आपको फीवर हुआ तो उस कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा। नॉर्मल सी बात है, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की बायोलॉजिकल अगर एक्टिविटीज़ अगर होती है, खाना पचता है, डाइजेशन और कुछ होता है, सब में देखो कुछ ना कुछ टेम्परेचर है वो कुछ ना कुछ वेरी करता है, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता। हाँ, ओवरऑल जो टेम्परेचर निकल के आता है वो आता है 37.6 ऐसा कुछ, बट हर ऑर्गन का अपना एक टेम्परेचर होता है और एक डिफरेंट टेम्परेचर पे वो काम करता है, एक डिफरेंट टेम्परेचर पे आपके बॉडी के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, हर काम अलग अलग जगह पे अपना वर्क करता है, ना आप उसके अंदर घुस सकते ना आप उसको चेंज कर सकते। तीसरा अगर बात करें तो सराउंडिंग, तो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर सुना हमने भी है कि कभी कोई टाइम था जिसमें टेम्परेचर इतना वेरी नहीं करता था, मौसम इतने रंग नहीं दिखाता था, बट आज के टाइम में टेम्परेचर पल पल वेरी करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको नेचुरली तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं, आइसोथर्मल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आप साइंटिफिकली ज़रूर देख सकते हो, आप एसी के नीचे बैठ के कोई एक्सपेरिमेंट करो वो अपने आप आइसोथर्मल हो गया, क्योंकि एनवायरनमेंट का चेंज, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो एसी में होगा तो कुछ टाइम बाद वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक्लाइमेटाइज हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि हाँ उस जगह आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ साइंटिफिकली अचीव किया जा सकता है, नेचर के अंदर ज़्यादातर ये प्रोसेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, साइंटिस्ट लोगों ने एक डिवाइस ऐसा बना रखा है जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेम्परेचर वो उतना ही रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं वो टेम्परेचर, और उस टाइम जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वो जो डिवाइस होता है ना जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो पूछ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने वाले उस डिवाइस का नाम बताओ या ऐसा डिवाइस बताओ जिसके अंदर वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है थर्मोस्टेट। क्लियर। उसके बाद में अगर बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, हाँ डेफिनेशन देखो मैं नहीं लिख रहा, एग्जाम्पल है वो मैं लिख देता हूँ, लिख लेना भी, डेफिनेशन है वो सिंपल सी है, ए प्रोसेस इन विच
टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, एनी एक्सपेरिमेंट या प्रोसेस, एनी प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट डन इन थर्मोस्टेट भी, आपका एसी भी एक टाइप का थर्मोस्टेट ही है, बट इट इज़ ए बैड थर्मोस्टेट। तो बस ये देख लेना आप, ठीक है, कोई भी प्रोसेस जो आप थर्मोस्टेट के अंदर करते हो। और इसके बाद में अगर आपको मैं बताऊँ तो एक आपको पूछते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बताना। ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है ये आपको समझ में नहीं आएगा, आज तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर अब ये वीडियो देखोगे तो। हाँ, मैं करवा देता हूँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आज आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, आज आपने कुछ चैप्टर है वो नहीं किए, आप केमिस्ट्री वगैरह, मेरा तो खूब अच्छा चल रहा है सिलेबस, क्योंकि मैंने पूरा इलास्टिसिटी कम्प्लीट कर दिया, फ्लूइड पूरा कम्प्लीट कर दिया, अब मैं थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद चैप्टर बचेंगे दो, ठीक, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, उसके में कुछ इक्वेशंस यूज़ होगी जो कि केमिस्ट्री की है, और मेरे हिसाब से उतना सिलेबस आपका केमिस्ट्री में नहीं हुआ है कि आप कोप कर सको मेरे साथ। तो ये टॉपिक आप कभी भी देख लेना जब आपको समझ में आए, अगर आज समझ में आए तो सबसे अच्छा, और अगर आज ना समझ में आए तो डोंट पैनिक, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि आज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कभी आएगा उस दिन ये वीडियो चलाना और इसको करके देखना, आएगा पक्का। अब अगर बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन की, तो वर्क डन कौन सा भी हो, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, W इज इक्वल टू V1 से V2 PdV, ठीक है। अब एक केमिस्ट्री के अंदर एक इक्वेशन यूज होती है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और वो इक्वेशन आपकी होती है PV इज इक्वल टू NR, ये इक्वेशन होती है। हाँ, इसके अंदर P की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी, NRT बाय V रख दो इसमें, W इज इक्वल टू V1 से V2 NRT बाय V dV। देखो N है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट होते हैं। R है वो भी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.31। टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता तो नहीं है, बट यहाँ प्रोसेस ही कौन सा है, आइसोथर्मल, तो इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, और अंदर बचेगा 1/V dV। अब अगर मैं आपको एक बात कहूँ, 1/V dV जो आपका है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है LnV, ठीक, तो NRT और LnV, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो जो LnV है ना उसको log V लिख सकते हैं अगर 2.303 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2.303 NRT log V। और एक चीज़ और, हमने शुरू से ही लिमिट लगा रखी है V1 से V2, तो जो V वाला फैक्टर है उसके ऊपर लिमिट लग जाएगी V1 से V2, है ना, ठीक है। आगे इसको करते हैं, ये थर्मोस्टेट लिखा हुआ मिटा दिया, ये मिटा दिया, और तो कुछ मिटाने लायक है नहीं। हाँ, यहाँ करता हूँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ करता हूँ, W इज इक्वल टू 2.303 NRT, इसमें लिमिट रख दो, अपर लिमिट यानी log V2 माइनस लोअर लिमिट यानी log, और एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय, तो W इज इक्वल टू क्या आया, 2.303 NRT log V2 अपॉन में, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, कर लोगे, ठीक। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये, आज ही आपको ये क्या पता नहीं समझ में आए, लेकिन कोई टाइम में आएगा। एक में यहाँ पर और चीज़ सुनो, मैं जल्दी से यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप प्रेशर लगाओ, जैसे एक डिब्बा है लोहे का,
उस पर आप चारों तरफ से प्रेशर लगाओ। अगर प्रेशर लगाओगे तो बताओ वो पिचकेगा या फूलेगा, सीधी सी बात है पिचकेगा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो पहले से कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा ना। आपने प्रेशर उस पर बढ़ाया तो उसके वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यानी पी और वी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पी इज इक्वल टू यहाँ एक बटे वी, और प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदला तो एक कॉन्स्टेंट लग गया के। अब पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट। यानी पी वन वी वन इज इक्वल टू होता है पी टू वी टू। तो वी टू अपॉन में वी वन है वो किसके इक्वल आ गया, पी वन अपॉन में। तो आप एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हो, 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन की जगह पी वन अपॉन में। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। और ये वैसे मैं एक चैप्टर में आपको और पढ़ाऊंगा, ये है, इसको बोलते हैं बॉयल रूल, ठीक है। ये एक रूल है बॉयल रूल, तो ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा, ठीक है। तो इतना मैंने आपको करवा दिया, अच्छे से इसको देखना। अगर ना समझ आए तो पैनिक मत होना, आए उतना कर लेना। और तो क्या बोलूँ अब भाई।